ग्वालियर में जॉब दिलाने के बहाने एक युवती को हाईवे पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। हाईवे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने जब युवती को कार में चीखते चिल्लाते देखा तो उन्होंने तुरंत दौड़कर आरोपियों को दबोच लिया। इसके बाद मौके पर पहुंची मुरार थाना पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि बैतूल मुल्तान थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के कल्पी ब्रज इलाके में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। युवती ने इस बीच नौकरी के लिए रिश्ते में एक दूर के भाई से संपर्क साधा तो आरोपी से कार में लेकर हाईवे पर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद तीन अन्य युवकों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस बीच पीड़िता आरोपियों के चंगुल से बचने के लिए जब चीखी चिल्लाई तो आसपास मौजूद गार्ड्स और अन्य लोग भी कार के पास पहुंच गए और मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके एक दूर के रिश्ते में एक रिश्ते दूर का भाई लगता था, उसने विश्वास में लेके उसको जॉब के नाम पर एक मित्र के पास भेजा और उन्होंने कहा कि हम चल के मिलवाते हैं, और कार में तीन युवक उसको हाईवे पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहाँ पर कुछ लोग जब वो चिल्लाई तो सिक्योरिटी गार्ड आने पर वो उसको हाईवे पर छोड़ के भाग गए। युवती की रिपोर्ट पर से जो है चार लोगों के विरुद्ध धारा 376 डी, 323, 294, 120 बी और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनाम लिया गया और मुरार पुलिस ने तत्परता से चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया जा रहा है। ये युवती जो है नर्सिंग की इसने ट्रेनिंग कर रखी है और यहाँ पर नर्सिंग का काम करती है, और जो युवक था एक कृष्णा शर्मा करके वो उसका पूर्व से परिचित था, तो उसने कहा कि जे तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल में काम दिलवा देंगे और तुम्हें नर्सिंग से संबंधित उसे पैसे की ज़रूरत थी, तो बोले तुम्हें अच्छा जॉब लगवा देंगे, तो विश्वास करके वो उनके साथ चली गई कार में और उन लोगों ने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म। आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।